आज अपन पढ़ेंगे ओर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है स्पोंडाइलोलाइथेसिस। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? स्पोंडाइलोलाइथेसिस इज फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्टिब्रा ओवर द वन बिलो इट। तो क्या होता है ना, अपनी स्पाइन होती है तो वहाँ पे वर्टिब्राज होते हैं लाइन से। ओके, जो वर्टिब्राज है उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब जो वर्टिब्राज होती है वो आगे की तरफ खिसक जाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो अपन उसी को कहते हैं स्पोंडाइलोलाइथेसिस। ओके, तो इट कॉमनली अकर्स बिटवीन L5 to S1 एंड बिटवीन L4 to L5। तो ये कॉमनली अपन को कहाँ पर देखने को मिलता है स्पोंडाइलोलाइथेसिस, वो होता है L5 एंड S1 के अंदर अपन को देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में, एंड L4 एंड L5 के अंदर अपन को देखने को मिलेगा इस जगह पर। उसके बाद है यहाँ पर ओकेजनली द डिस्प्लेसमेंट इज बैकवर्ड। तो यहाँ पर तो अपन देख रहे थे कि स्पोंडाइलोलाइथेसिस के अंदर फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जिसको अपन ने स्पोंडाइलोलाइथेसिस कहा, वर्टिब्रास के फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन कभी कभी यहाँ पर इसका बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है वर्टिब्रास का, तो इसको अपन यहाँ पर कहते हैं रेट्रोलाइथेसिस। ओके, ये दोनों अलग है, एक के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा था और एक के अंदर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आता है इसका पैथोलॉजी के बारे में। स्पोंडाइलोलाइथेसिस की पैथोलॉजी क्या है? नॉर्मली फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी इज प्रिवेंटेड प्राइमरी बाय द इंगेजमेंट ऑफ इट्स आर्टिकुलर फोर्सेस विथ एट द वर्टिब्रा बिलो इट। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है ना, वर्टिब्रा एक के ऊपर एक वर्टिब्राज होती है, फिर वहाँ पर फेरसेट जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ये सब होते हैं, तो ये एक दूसरे को मतलब अपनी जगह से खिसकने को बचाती है कि ताकि उसका फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए, इस बात को प्रिवेंट करते हैं इनके आर्टिकुलर जो प्रोसेस होते हैं ना वो वर्टिब्रास के, तो जिस कारण से मतलब एक के ऊपर एक होते हैं तो ये अपने आप को मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट होने से बचाते हैं। तो नॉर्मली तो ये होता है, द अटैचमेंट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट बिटवीन वर्टिब्रा आल्सो चेक दिस डिस्प्लेसमेंट बट टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, अपन ने देखा कि यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है दो वर्टिब्रास के बीच में, लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिटवीन वर्टिब्रा आल्सो चेक दिस डिस्प्लेसमेंट, तो अपन इस वर्टिब्रा के जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन मतलब इन सब के साथ अपन इसको चेक कर सकते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन अपन कुछ हद तक इसको चेक कर सकते हैं, ज़्यादा चेक नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आता है एनी इफेक्ट इन दिस चेक मैकेनिज्म लीड टू स्पोंडाइलोलाइथेसिस, और अगर इस मैकेनिज्म के अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं स्पोंडाइलोलाइथेसिस। ओके, उसके बाद यहाँ पर है अकॉर्डिंगली स्पोंडाइलोलाइथेसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो यहाँ पर इसको कुछ फॉलोइंग टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, वो है इस्थमिक, डायस्प्लास्टिक, उसके बाद डिजेनरेटिव, पैथोलॉजिकल एंड ट्रोमेटिक। इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है स्पोंडाइलाइथेसिस को, 1, 2, 3, 4, 5, इसके 5 क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। ओके, तो अभी अपन इनके एक एक करके से जो क्लासिफिकेशन है ना उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इस्थमिक। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है ना, क्या होता है, दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप ओवरऑल, ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप होता है इसके टाइप में से। द लीजन इज इन द पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, तो यहाँ पर ये बात आता है कि पार्स इंटर आर्टिकुलरिस क्या होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में अपन ने लिखा हुआ है, पार्स इंटर आर्टिकुलरिस रेफर्स टू अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ बोन डेड जॉइंट्स द फेसेट जॉइंट्स इन द बैक ऑफ द स्पाइन। जो पार्स आर्टिकुलरिस होता है वो अपन को स्पाइन के अंदर देखने को मिलता है। अपन इसका डायग्राम देखते हैं इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क प्रेजेंट होती है, यहाँ पर दो वर्टिब्रल बॉडीज होती है जिसके यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये बॉडीज है, ये डिस्क है, उसके ऊपर यहाँ पर सुपरियर फेसेट जॉइंट मिलता है और यहाँ पर इन्फीरियर फेसेट जॉइंट मिलता है, और इस जगह पे अपन को यहाँ पर पार्स इंटर आर्टिकुलरिस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ बोन, ये बोन का छोटा स्मॉल सेगमेंट होता है जो कि क्या करता है, यहाँ पर जो फेसेट जॉइंट होता है ना बैक के अंदर वो बनाता है स्पाइन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो इस्थमिक हो जो होता है ना वो अपन को पार्स इंटर आर्टिकुलरिस के यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिर इसके यहाँ पर आते हैं 3 सब टाइप्स अपन को यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके, वो है यहाँ पर लाइटिक, इसका मतलब होता है फटिक फ्रैक्चर ऑफ द पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, मतलब फटिक फ्रैक्चर मतलब अपन जो रिपीटेड मूवमेंट करते हैं उस कारण से जो फटिक फ्रैक्चर हो जाता है वहाँ पर उसको,
तो उसको यहाँ पर कहा है अपने लाइथिक, जो कि होता है पार्स इंटर आर्टिकुलेरिस में। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है इंटैक्ट बट इलोंगेट पार्स इंटर आर्टिकुलेरिस। जो इंटर आर्टिकुलेरिस यहाँ पर इंटैक्ट होती है और इलोंगेट होती है। उसके बाद यहाँ पर आता है अक्यूट फ्रैक्चर ऑफ द पार्स इंटर आर्टिकुलेरिस। पार्स इंटर आर्टिकुलेरिस का अक्यूट फ्रैक्चर, ये सब आते हैं इसके थ्री इसके सब टाइप्स के अंदर, इस्थमिक के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है द डिफेक्ट अलाउज द सेपरेशन ऑफ द टू होल्स ऑफ द वर्टिब्रा। तो यहाँ पर जब डिफेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो वर्टिब्रा है इसके दो सेपरेशन हो जाते हैं, यहाँ पर इसके दो सेपरेशन हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे इसके टू होल्स अपन को देखने को मिलते हैं वर्टिब्रा के, जिसको अपन डायग्राम में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो हो जाते हैं होल्स। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले एंटेरियल हाफ। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एंटीरियर हाफ अलोंग विद द होल ऑफ द स्पाइन कॉलम अबव इट स्लिप फॉरवर्ड ओवर द वर्टिब्रा बिलो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेट इज द बॉडी विथ द पेडिकल्स एंड सुपरियर आर्टिकुलर फेसेट। तो अपन देखते हैं यहाँ पर पेडिकल्स एंड सुपरियर आर्टिकुलर फेसेट कहाँ पर है। तो यहाँ पर अपन डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर सुपरियर फेसेट है, उसके बाद यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस है, इन्फीरियर फेसेट, और यहाँ पर पेडिकल्स एंड बॉडीज है। उसी तरह से इस वाले डायग्राम के अंदर यहाँ पर लेमिना है, इंफीरियर फेसेट है एंड स्पाइनस प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंटीरियर हाफ मतलब बॉडी विद द पेडिकल्स एंड सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। तो ये कहाँ पर है इस डायग्राम में, यहाँ पर ये है पेडिकल्स, उसके बाद सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ये यहाँ पर है सुपीरियर फेसेट, तो मतलब ये वाला पार्ट। ओके, ये इसका है एंटीरियर हाफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंटीरियर हाफ मतलब ये वाला जो पार्ट है, वहाँ पर अलोंग विद द होल ऑफ द स्पाइनल कॉलम अबव इट स्लिप फॉरवर्ड ओवर द वर्टिब्रल बॉडी। तो जो नीचे वाली जो वर्टिब्रल है, यहाँ से ये आगे की तरफ खिसक जाती है, ये इसका अंदर फॉरवर्ड इसका फॉरवर्ड स्लिप्स हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आता है पोस्टीरियर हाफ के बारे में। तो पोस्टीरियर हाफ के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टीरियर हाफ ऑफ द अफेक्टेड वर्टिब्रा, मतलब डेट इज लेमिना एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट, जो कि यहाँ पर है लेमिना है और यहाँ पर इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट है, जो कि अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन्फीरियर फेसेट। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द पोस्टरल हाफ ऑफ द अफेक्टेड वर्टिब्रा, मतलब पीछे वाला जो पार्ट जो कि वर्टिब्रा का है और वो अफेक्टेड है, वहाँ पर रिमेन विद द लोअर वर्टिब्रा। ओके, तो यहाँ पर अपने देखा कि यहाँ पर इस तरह से सेपरेशन हो जाता है इसके दो, वो एक तो जाता है एंटीरियर हाफ में और एक हो जाता है पोस्टरियर हाफ में। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इसका सेकेंड वाला टाइप। अपने अपन देखे थे कि वहाँ पर इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पे एस्थमिक वाला, उसके बाद यहाँ पर आता है डिसप्लास्टिक वाला। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है ना, इन दिस द लिस्ट कॉमन टाइप, ये कॉमन टाइप में देयर इज अ कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज एबनॉर्मलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रा, सो डेट वन वर्टिब्रा स्लिप ओवर द अदर। तो ये जो होता है ना डिसप्लास्टिक, जो स्पोन्डाइलोलाइथिस जो होता है वो अपन को कंजेनाइटल देखने को मिलता है, मतलब ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है किसी भी बच्चे के अंदर जो कि डेवलप होती है वर्टिब्राज के अंदर। तो इस कारण से जो वर्टिब्राज होती है ना वो स्लिप हो जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस कारण से इसका नाम है डिसप्लास्टिक। फिर उसके बाद आता है इसका सेकेंड मतलब थर्ड वाला टाइप, जिसका नाम है डिजेनरेटिव। ठीक है, तो डिजेनरेटिव का मतलब यहाँ पर है दिस इज सीन फेयरली कॉमनली इन एल्डर पीपल्स। तो डिजेनरेटिव जो होता है वो अपन को कॉमनली देखने को मिलता है जो एल्डरली जो पीपल्स होते हैं ना उनके अंदर। द पोस्टीरियर फेसेट जॉइंट बिकम अनस्टेबल बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सबलक्सेट। तो जो पोस्टीरियर फेसेट जॉइंट अपन देखा था, वहाँ पे पोस्टीरियर फेसेट जॉइंट था, तो ये वाला जो जॉइंट होता है वो अनस्टेबल बन जाता है। ये अनस्टेबल क्यों बनता है, ये बनता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण एंड सबलक्सेट के कारण। मतलब अगर वहाँ पर किसी पर्सन के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर जो वर्टिब्रा है वहाँ पर सबलक्सेशन हो गया है, तो उस कारण से जो पोस्टीरियर फेसेट जॉइंट है वो अनस्टेबल बन जाता है और वहाँ पर डिजेनरेटिव अपन को देखने को मिलता है। मतलब ये डिजेनरेटिव इसका नाम इसलिए ही है, तो इस कारण से यहाँ पर स्पोन्डाइलोलाइथेसिस हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है वर्टिब्रल डिस्प्लेसमेंट इज ओकेजनली बैकवर्ड रेदर देन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जिसको अपन कहते हैं फॉरवर्ड वाले को रेट्रोलाइथेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो वर्टिब्रा जो डिस्प्लेसमेंट अभी अपन ने यहाँ पर देख रहे हैं, तो अपने देखा था कि आगे की भी हो जाता है और पीछे की तरफ भी हो जाता है। तो यहाँ पर ओकेजनली क्या होता है ना, बैकवर्ड रेदर देन फॉरवर्ड। ओके,
तो उस तरह से अपन को दोनों नाम याद होना चाहिए, इसके ऑपोजिट वाला भी अपन को याद होना चाहिए कि पीछे जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो जाता है ऑकेशनली बैकवर्ड रदर देन द फॉरवर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर आता है डिस्प्ले, डिस्प्लेसमेंट इज यूजली नॉट सीवियर एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इज अनयूजल। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा सीवियर नहीं होता, और जो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर अनयूजल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है इसका सेकेंड, मतलब उसके बाद फोर्थ वाला टाइप, इसका नाम है पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल किस तरह से अपन को यहाँ पे स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस होगा, वो होगा दिस टाइप रिजल्ट्स फ्रॉम अ जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड बोन डिजीज वीकनिंग द आर्टिकुलर बोन, आर्टिकुलर बिटवीन द वर्टिब्रा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पैथोलॉजिकली, पैथोलॉजिकल के अंदर कि अगर किसी भी तरह की जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड बोन डिजीज हो जाती है तो उस कारण से जो यहाँ पर आर्टिकुलेशन, जो आर्टिकुलेशन सरफेस जो होता है वर्टिब्रास का वो वीक हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर जो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वर्टिब्रास का, जिसको अपने नाम दिया था यहाँ पर स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस, मतलब इस कारण से यहाँ पर स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक जो वाला होता है वो काफ़ी रेयर टाइप होता है, कभी कभी अपन को देखने को मिलता है। देयर वन वर्टिब्रा स्लिप ओवर अदर फॉलोइंग एन इंजरी। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि जो अपन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस, इसका अपन डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे। तो इसका डायग्नोसिस अपन करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के साथ और एग्जामिनेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स के अंदर लिखा हुआ है द इस्थमिक टाइप ऑफ स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस प्रेजेंट इन एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट। तो यहाँ पर अपन ने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था इस्थमिक टाइप, जो कि था स्पॉन्डाइलाइथेसिस का, अगर जो ये होता है ना वो अपन को एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है ज़्यादातर। उसके बाद जो डिजेनरेटिव टाइप था वो अपन को ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो अपन समझ सकते हैं कि अगर ओल्ड एज के अंदर किसी को बैक पेन है तो वो किस कारण से होता है, वो इस कारण से भी हो सकता है कि उसको स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस है डिजेनरेटिव टाइप का। और अगर यंग एडल्ट्स के अंदर एंड एडोलेसेंट्स के अंदर हो रहा है तो अपन समझ सकते हैं कि उसको यहाँ पर एस्थमिक टाइप के कारण यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे द प्रेजेंटिंग सिम्टम इज यूजुअली बैक बैक एक विथ और विदाउट सियाटिका। तो यहाँ पर अपन देखा था कि उसको पेन होता है, अपन पेन के बारे में अपन को इसे पता लगा कि इसको बैक पेन है तो अपन उससे आइडिया लगा सकते हैं कि उसको यहाँ पे स्पॉन्डाइलोलाइथिस है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि उसको जो पेशेंट है उसको यहाँ पे सिम्टम्स के अंदर अपन को देखने को मिल सकता है बैक एक, और उसको सियाटिका भी अपन को देखने को मिल सकता है, मतलब सियाटिका के साथ बिना सियाटिका के यहाँ पर बैक एक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर है सिम्टम्स बिकम वर्स ऑन स्टैंडिंग और वॉकिंग। जब पेशेंट जो वॉकिंग करेगा एंड स्टैंडिंग करेगा तो उसके जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। समटाइम्स क्या होते हैं, देयर मे बी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इन द लोअर लिम। अपन लोअर लिम के अंदर अपन को यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस द एबनॉर्मलिटी इज सिम्टमलेस एंड इज डिटेक्ट ऑन अ रूटीन एक्सरे टेकन ड्यूरिंग स्क्रीनिंग ऑफ द हेल्थ चेकअप। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी जो अपन को यहाँ पर जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है ना वो कभी कभी सिम्टम लेस होती है, मतलब उसके कुछ अपन को कुछ सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका पता अपन को कैसे लगेगा, इसका पता अपन को जब लगेगा जब अपन रूटीन एक्सरे करवाएंगे पेशेंट का, उसको लेंगे ड्यूरिंग स्क्रीनिंग फॉर अ हेल्थ चेकअप, ठीक है। तो उसके बाद अपन को पता लगेगा कि यहाँ पर इसको स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन अपन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ऑन एग्जामिनेशन देयर इज ऑफ्टन अ विजिबल और पाल्पेबल स्टेप ओवर द सेक्रल क्रेस्ट ड्यू टू द फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेक्रल कॉलम। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉलम के जो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पर जो सेक्रल क्रेस्ट के ऊपर एक विजिबल और पाल्पेबल स्टेप होता है। देयर में भी इंक्रीज लंबर लोडोसिस, तो यहाँ पर लंबर लोडोसिस से वो इंक्रीज होता है। देयर में भी एविडेंस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द सियाटिक नर्व। तो सियाटिक जो नर्व है इसकी स्ट्रेचिंग, मतलब इसकी एविडेंस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द सियाटिक नर्व एज फाउंड बाय अ स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है, ओके, SLRT, जिसको अपन चेक करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं सियाटिक नर्व के लिए। तो जिससे जिससे अपन को पता लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है सियाटिक नर्व के अंदर। फिर
फिर उसके बाद यहाँ पर डायग्नोसिस के अंदर ही आता है एक्सरे एग्जामिनेशन। अपन को एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर अदर कैन बी सीन ऑन अ लेटरल व्यू ऑफ द स्पाइन। तो जो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होता है, अपन ने देखा था कि यहाँ पर एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको अपन किस तरह से चेक करेंगे, तो ये अपन को देखने को मिलेगा लेटरल व्यू ऑफ द स्पाइन के अंदर। मतलब अपन जब लेटरल व्यू लेंगे एक्सरे से स्पाइन का, तो अपन को वहाँ पर एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है द डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेडेड इंटू फोर कैटेगरीज डिपेंडिंग अबाउट द सिवेटरी ऑफ द स्लिप। तो अपन ने देखा था कि यहाँ पर जो वर्टिब्राज है उनका स्लिप हो रहा था, तो स्लिप के सिवेरिटी के ऊपर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की फोर कैटेगरीज बताई हुई है। ओके, तो फोर कैटेगरीज के अंदर क्या आएगा ना, ग्रेड वन एंड ग्रेड फोर के अंदर बताया गया है। यहाँ पर ग्रेड वन, ग्रेट फर्स्ट स्पॉन्डाइलेथिस इज मीन वर्टिब्रा डिस्प्लेसमेंट अप टू 25% ऑफ द एंटीरियर पोस्टल वाइड ऑफ द लोअर वर्टिब्रल बॉडी। ओके, तो यहाँ पर ग्रेड वन स्पॉन्डाइलेथिस के अंदर ये है कि जो वर्टिब्रा का डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ है अप टू 25%, वो कहाँ पे हुआ है, एंटीरियर पोस्टल विड्थ ऑफ द लोअर वर्टिब्रा बॉडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ग्रेड फोर्थ, जिसका मतलब यहाँ पर है कंप्लीट फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अफेक्टेड वर्टिब्रा। जो अफेक्टेड वर्टिब्रा है उसका फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब कंप्लीट। यहाँ पर सिर्फ 25% की बात हो रही थी, अप टू 25%। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एन ऑब्लिक व्यू ऑफ द स्पाइन में सो डिफेक्ट इन द पास्ट इंटर आर्टिकुलरिस। जब अपन ऑब्लिक व्यू लेते हैं यहाँ पर स्पाइन का, तो उसके अंदर अपन को देखने को मिलता है कि यहाँ पर किसी तरह का डिफेक्ट है पास इंटर आर्टिकुलरिस के अंदर। तो अपन ने देख लिया था कि पास इंटर आर्टिकुलरिस क्या होता है। ओके, तो इन द व्यू लाइक अ स्कॉटिश डॉग, जब अपन इसका व्यू लेते हैं ना, तो अपन को ये लिखता है स्कॉटिश जो डॉग्स होते ना उनकी तरह पे, उसकी तरह अपन इसका डायग्राम देखेंगे यहाँ पर कि वो किस तरह से अपन को देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह के डायग्राम से अपन समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द अपीयरेंस इज दैट ऑफ द स्कॉटिक डॉग वियर अ कॉलर, द डिफेक्ट इज इन द इस्थमस एंड द पेशेंट हैज स्पॉन्डाइलाइथिस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जब अपन उसका एक्सरे करवाते हैं, उसके बाद अपन को अगर स्पाइन के अंदर स्कोटिक्स डॉग की तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिस जो कि अपन को ऐसा लगता है कि उसने एक कॉलर है जो वियर किया हुआ है, अगर अपन को इस तरह का डिफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है, तो उससे अपन को पता लगता है कि यहाँ पर इस्थमस एंड है यहाँ पर एंड द पेशेंट हैज़ स्पॉन्डाइलोलाइसिस। ओके, तो स्पॉन्डाइलोलाइसिस अलग होता है एंड स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस अलग होता है। तो अगर अपन को इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि एक स्कोटिक्स डॉग है जिसके अंदर जिसने वियर कर रखा है कॉलर, तो वो अपन को पता लग वो अपन को डिटेक्ट करेगा उससे कि यहाँ पर स्पॉन्डाइलोलाइसिस है। ओके, और तो यहाँ पर है डिफेक्ट विदाउट स्लिपिंग ऑफ द वर्टिब्रा। तो इस तरह के जो ये है डिजीज़, मतलब स्पॉन्डाइलोलाइसिस है, इसके अंदर यहाँ पर किसी भी तरह का स्लिप नहीं होगा वर्टिब्रा के अंदर। लेकिन यहाँ पर यह है इफ़ द हेड ऑफ द स्कोटिक डॉग इज सेपरेटेड। तो अगर इस कहीं पर अपन एक्सरे करवाया और अपन को देखने को मिला कि जो स्टोकिक डॉग का जो स्ट्रक्चर था वो सेपरेट हो गया, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर अपन को सेपरेट देखने को मिल रहा है इस तरह से। ओके, अगर इस तरह से दिखता है यहाँ पर उसका नेक, तो सेपरेट फ्रॉम द नेक द पेशेंट हैज़ स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस। तो उससे अपन को पता लगता है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसको स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस हुआ है। तो इस तरह से अपन इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं कि अगर इस तरह से होगा तो वो स्पॉन्डाइलोलाइसिस होगा, और अगर इस तरह का होगा इसकी नेक है वो सेपरेट हो रही है तो वो होगा स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है द डिफेक्ट विथ स्लिप ऑफ द वर्टिब्रा। तो इसके अंदर जो वर्टिब्रा का स्लिप अपन को देखने को मिल रहा है इस तरह से, लेकिन इसमें नहीं देखने को मिल रहा। ओके, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो अभी अपन ने देख लिया कि इन दोनों में अपन को कौन सा डिफरेंस देखने को मिलेगा जब अपन एक्सरे करवा के देखेंगे, चेक करेंगे तब। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इसका ट्रीटमेंट, स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस का ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। फॉर अ माइल्ड सिम्टम लेस स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं यहाँ पर स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस के, तो यहाँ पर उनको किसी भी तरह का मतलब ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत है तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। वेन सिम्टम्स आर माइल्ड विथ आर एडिक्वेटली रिलीव्ड बाय कंजर्वेटिव मेथड सच एज द बेड्स एंड स्पाइनल एक्सरसाइज। और अगर वहाँ पर उसको थोड़ा बहुत माइल्ड
सिम्टम्स है, और यहाँ पर अपन को उसको रिलैक्स देना है, उसको पेन वगैरह हो रहा है जैसे उसको रिलैक्स देना है, तो अपन यहाँ पर कंजर्वेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे बेयर्स एंड स्पाइनल एक्सरसाइजेस वगैरह, ओके, जिससे पेशेंट को अच्छा इम्प्रूव फील होगा। और वेन सिम्टम्स आर मॉडरेटली सीवियर और मोर स्पेशली इफ दिस हेम्पर द एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट एन ऑपरेशन में भी रिक्वायर्ड। और अगर मान लो जो पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा सीवियर, थोड़ा सीवियर उसको सिम्टम्स है, उसको पेन है, और उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो भी हैम्पर हो रही है, मतलब वो उसको ठीक से कर नहीं पा रहा है, उसकी अपनी जो डेली लाइफ थी वो उसके उसके कारण से ख़राब होती जा रही है, तो उसको उसका तो ट्रीटमेंट अपन को काफ़ी ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। और उसके अंदर अपन को ऑपरेशन वगैरह करने पड़ सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुका है इस कारण से। अगर थोड़ा बहुत होगा तो अपन कंजर्वेटिव मेथड के साथ उसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर मेथड्स आते हैं इसके ट्रीटमेंट के, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर दो ट्रीटमेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में है यहाँ पर मेथड्स। एक तो है कंजर्वेटिव, एक है ऑपरेटिव। कंजर्वेटिव के अंदर अपन बात करते हैं, कंजर्वेटिव मेथड्स कंसिस्ट ऑफ रेस्ट एंड एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ द अफेक्टेड सेगमेंट फॉलोड बाय फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर तो अपन किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, उसको एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ओके, तो अफेक्टेड सेगमेंट, उसके बाद अपन उसको फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस वगैरह ये सब करवा सकते हैं, इस तरह से अपन उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर द पेशेंट इज एडवाइज टू चेंज हिस जॉब टू अ फिजिकली लेस डिमांडिंग वन। तो यहाँ पर जो अपन जो का जो पेशेंट होता है ना उसको एडवाइस करेंगे, आप ऐसा काम ना करें जिसमें आपको ज़्यादा चलना फिरना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, आप ऐसा काम करो जिससे आपको कम अपना बॉडी का यूज़ करना पड़े, ओके। उसके बाद यहाँ पर है ऑपरेटिव मेथड्स के बारे में। तो ऑपरेटिव मेथड्स में लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ डिकम्प्रेशन ऑफ द कंप्रेशन नर्व इज एनी फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ द अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ द स्पाइन। दिस इज कॉमनली अचीव्ड बाय फ्यूजन बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा, यूज ऑफ इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस लाइक पेडिकल्स, स्वीजर्स एंड रोड हैज हेल्प इन अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो स्पाइन के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं अगर वहाँ पर किसी तरह का फ्यूज़न हो गया और वहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है ना उसके अंदर, तो अपन यहाँ पर डिकम्प्रेशन करेंगे, डिकम्प्रेशन ऑफ द कंप्रेशन नर्व इफ़ एनी फॉलोड बाय फ्यूज़न ऑफ द अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ द स्पाइन, ओके। अगर अफेक्टेड सेगमेंट जहाँ पे मतलब फ्यूज़न है तो उस जगह पे अपन डिकम्प्रेशन करेंगे, क्योंकि फ्यूज़न के कारण वहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है नर्व का, जिस कारण से वहाँ पे पेशेंट को पेन होगा वगैरह वगैरह, ओके। तो दिस इज़ कॉमनली अचीव्ड बाय फ्यूजन बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा, इस तरह से अपन करवा के ऑपरेटिव मेथड कर सकते हैं। यूज़ फॉर इसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल फिक्सचर अपन डिवाइस जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक पेडिकल, स्क्वीर्स एंड रोड वगैरह, ओके, हैज़ हेल्प टू अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। तो ये सब यूज़ करने से क्या होगा, जो पेशेंट है वो जल्दी जल्दी से जल्दी चल फिर पाएगा, ठीक है, उसको ज़्यादा रेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये था आज का अपना टॉपिक स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है, जब वर्टिब्रास है उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अपन ने इसको कहा था स्पॉन्डाइलोलाइथेसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।